सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आदेश आया है दोस्तों आवंटन को लेकर, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है पूरा मामला। और जिन जिन अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला था उनके लिए अच्छी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 28/8/2023 आवंटन आदेश। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 एवं 2022-23 एवं 23-24 में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 योजना क्रमांक 0701 अतिथि शिक्षकों का मानदेय अंतर्गत मानदेय भुगतान हेतु निम्न अनुसार राशि आवंटित की जाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये राशि है और ये जिले हैं, और समस्त जो विकास खंडों में राशि आई है वो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी राशि और कितनी आई है टोटल राशि दोस्तों, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बहुत दिन से रुका हुआ था। और समस्त ज़िले जहां तक मानदेय की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी ज़िलों के नाम यहां पर दिए हैं। और उपरोक्त आवंटन बजट सीर 27/22/02/02/109/07/01/44/00/01/01 एवं 01/02 मद में उपलब्ध आवंटन से अंतरित किया जाएगा। राशि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के DDO कोड में उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त राशि का उपयोग निम्न शर्तों के अधीन किया जाएगा। बंटित राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु जारी की जा रही है। समस्त आहरण संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अतिथि शिक्षक को माह अगस्त 2023 तक का भुगतान लंबित ना हो। लंबित होने की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। संचालनालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार मानदेय भुगतान किया जाए। यदि नियम विरुद्ध भुगतान किया जाता है तो आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगस्त माह 2023 तक की राशि का भुगतान करने के पश्चात शेष राशि को तत्काल BCO को समर्पित किया जाए। व्यय की गई राशि का उपयोग प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराना है। आयुक्त द्वारा स्वीकृति संजय कुमार, अपर संचालक वित्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। भाइयों, आपको बताना चाहता हूँ जिनका मानदेय रुका हुआ है और अब अगस्त 2023 तक का मानदेय आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों जो भी नया अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताऊँगा। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।